हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राणा। दोपहर का टाइम हो चुका है और आज मैं व्लॉग स्टार्टिंग दोपहर से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का मैंने दिखाया था आपको पहले। मैंने आज कनागत वगैरह निकाला है, उसमें टाइम लग गया ज़्यादा, तो इसलिए वो वाला मैंने पहले व्लॉग में दिखा दिया। इस वाले व्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी से कर रही हूँ और आज भी मेरे पास कुछ काम है नहीं करने को, वो दिखाने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि मम्मी गई हुई है स्वामी जी के पास और वो आएंगी शायद 3-4 दिन में और आएंगी अभी। और दीपक को हम आज या कल वापस भेज देंगे गुरुआव, इसका मन कम लग रहा है। हमने बहुत बार पूछा भी इससे कि दीपक तेरा मन लग रहा है, ये बोला था हाँ लग रहा है, लेकिन अब ये वापस जा रहा है क्योंकि इसका मन बहुत कम लग रहा है। ये सारा दिन यहाँ पे बोर होता है, अब बोला कि मैं वहीं पे रहूँगा तब तक। स्वामी जी भी वहाँ बाहर घूमने के लिए माता आ जाएंगी शायद, और फिर इसको हम वापस भेज देंगे घर पे। हम भी रुकेंगे, मैं पापा और सोनू जी, हम तीनों ही। और कल शायद हम करेंगे स्पाई, क्योंकि अभिन्न औरतें भी आने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम पहले स्पाई कर देते हैं, क्योंकि फिर नौरतों में तो होगी नहीं, क्योंकि नौरतों की जरूरत लगेगी डेली, सुबह जल्दी नहाना होगा, तो इसलिए हम मम्मी के आने से पहले सारी स्पाई भी कर देंगे, मंदिर की और बाहर की अंदर की सारी। पापा आज सब्जी लेके आए थे, घिया 2 किलो घिया और आलू, ये मैंने निकाल दिए। अब ये वाली थैली खोलूँगी, इसमें देखो क्या मिलेगा। एक मैं 2 किलो घिया थी, वो गांव में आ गया आज सब्जी वाला, तो पापा ने आड़े थे ले ली, बोले कि बाहर दुखी होते लेके आऊँगे। इसमें है लहसुन और अदरक, अभी ने भी निकाल देती हूँ मैं एक बार। अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम सारा दिन तो फ्री बैठे थे, हमने भैंस वगैरह बांध दी, उसमें 5 मिनट लगती है, वही बांध दी जो अंदर भैंस ने गोबर वगैरह कर रखा था, तोड़ी खिंडा रखी थी वो भी साफ कर दी थान में तय, और पापा ने सब्जी ली थी वो भी सारी सेट कर दी थी, सारा काम हो गया था। अभी हम फिलहाल फ्री बैठे हैं, देखते हैं क्या कुछ करना क्या नहीं। वैसे मैंने एक दो वीडियो बनाई थी सूट पहन के, और क्या करना भी, और तो कुछ नहीं करना, बस यही देखना कि शाम को सब्जी वगैरह क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। अभी सोच तो हम घिया बनाने के रहे, क्योंकि अभी घिया ली थी पापा ने 2 किलो, और डॉक्टर ने हरी सब्जी खाने के लिए बोल रखा है, तो घिया बनेगी। मैं बोर हो गई खा के, घिया टिंडे और पालक। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम बाहर घूम रहे हैं, भैंस अभी अंदर बांधी है और फिलहाल ही भाखर पे हुए हैं। भाखर मैंने गाल दिया था, पानी पापा गाल रहे हैं या शक्कर पे, थोड़ा पानी गाल का ना ला के कर देंगे पापा। वो अपनी पड़ेगा ये पोषण आई फिर जो मकोड़े बह जाए और पर हो जाएगा। दो पैकेट रह रहे थे ये, मैंने दोनों भेज दिया आज, मैं इनने भी करकरा खत्म हो गए कान ना। ये जब मोहित नहीं आया था मैंने लेने, जब दिए थे स्वामी जी ने, खाई क्यों रहे तुम, खाने की कौन थी यार। अच्छा हाँ जी, मैं तो बाखर में गिर रही थी। ये भी आ गए, कहीं बाहर गए थे, नालो फटाफट फिर जोत लगा दियो। एक सबकी यू कमेंट, मत सबकी नहीं, मैं सबकी नहीं कहती ना, फिर न्यू का देंगे कि गलत कह हुआ कोई है, फिर न्यू का दी सबकी, पर आमू से ना कहे ना जो हमारे गलत कमेंट करे है। फिर मेरे दीपक के को थे, दीपक है तो दीपक आ रहा है, तो नहीं रेस्ट कर ले तू 2-4 दिन जाती, दीपक कर लेगा उस तो, जो आधा काम तो तू भी कर रहा है। करवाऊँ मैं काम, करवाऊँ दीपक का, फिर वो ब्लॉग में दिखाती कौन ना मैं, फिर सब नु कह दे हैं दीपक दीपक काम कर रहा है तू ना करते। सुबह झाड़ू तो नहीं तुम्हारा था सारे के, वो बाथरूम साफ कराया, झाड़ू मारा, इधर उधर मन ना मेरा की होगा कि मैं कहने दे किसी ने कि मैं। अच्छा भाई मारी वो ना करवाती है, मेरी मम्मी भी कहे है बुलाई तेरे क्यों हो रहा है, चल दो जोड़ पर फोन कर ले, उड़ पर तू लगा दे ठीक सू है, वो लोग मैं तू लगा दे बीमार हो रही हूँ। अरे ढूंढ रहे कर रही तू, नाम कर लोग ने क्यों कहे बीमार है, बीमार क्यों तू, मैं ढूंढ रहे नहीं कर रही, बीमार की है बता। अच्छा जय पक बना हुआ आटा और आज इसने बनाई थी घिया की सब्जी है पा, और आज पापा ने गम में सब्जी ली, लहसुन भी रहा कितना बड़ा बड़ा,
इतना भी नहीं, इतना इतना लहसुन है। अरे बेरा आगे कहवा पाए पीछे बेरा आगे बोले सब्जी वाला 20 रुपये का लहसुन माँ दे दे, 10 की अदरक बलावा भी दे दे, 10 की घी बलावा भी दे दे, यार आलू प्यार ना कह के बलावे भी दे दे, बोला और कम है, बोला भाई बस भाई थोड़ा सा माल ले लिया तेरे पे और ही तो सारी दुकान देकर जाएगा ले कर आए पापा भीतर। बोला ये लहसुन किसा था मापा लहसुन तो सामने कदे देखा है को नहीं, इतना बड़ा लहसुन भी आ रहा माँ कदे भी करवा लिया टेस्ट वाली बात करना है रिकी बीमारी है नॉर्मल ही टेस्ट करवा ले कोई ना यहाँ पहले टेन ना लिए और आज तो मेरी तीतरी आ गई ना लिए ये और ई बी आई स्पीकर चला रहे हैं और दीपक रसोई में रोटी बना हुए है खाने की तैयारी कर दूँ कर ले ओके मैं अंदर आ गई भी थोड़ी देर आके लेट गई और सोनू जी बाहर टीवी देख रहे हैं अब बोलूँगी मैं अंदर आ गई लेट गई थोड़ी देर टीवी देखूँगी खाना भी खाने रहे क्योंकि पापा बाहर है कोई आया हुआ है शायद तो पापा और भी आएंगे तब सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तब तक सोनू जी बाहर गाने सुन रहे हैं स्पीकर में और दीपक की रोटी भी बन चुकी है उसका भी साथ किसी उसके पास भी किसी की कॉल आ गई शायद वो भी बात कर रहा तो वो भी बोला कि हम बाद में खा लेंगे पापा आपके साथ ही तो मैंने बोला ठीक है भाई बाद में खा लिया क्या दिक्कत है तो अभी पापा आएंगे थोड़ी देर में फिर हम सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तब तक मैं टीवी देखूँगी लो ना खाना ना खाओगे हैं अरे ये खाना खाने दे पहला ही सो गए मैं अंदर टीवी देख लागी बाहर आकर देखा था ये सो हुए थे अभी उठाए हैं खाना खाएंगे फिर सोएंगे दोबारा तो मैंने इनको बाहर से उठा दिया था खाना वाना खा के अभी अंदर आए जस्ट और ये आते ही सो गए पापा और दीपक आपको पता बाहर सोऊंगी मैं अंदर सोऊंगी और अभी आई हूँ मैं कपड़े चेंज करने के लिए ये वाली टी शर्ट पहन के नहीं सोऊंगी दूसरी पहनूंगी तो अभी फिलहाल मैं चेंज कर लेती हूँ बस अभी हमारे भी सोने की तैयारी है और दीपक ने खाना वाना खा लिया था हमने सबने उसने बर्तन भी साफ़ कर दिए मैंने सोनू जी रात ने मतलब कि रात ने कहूँ मैंने सोनू जी उठाए थे वे सो गए थे उसके बाद खाना खाया फिर दोबारा सोए हुए अंदर जाके तो दीपक ने भी बर्तन साफ़ कर दिए इसके पास किसी कॉल आई हुई थी वो कॉल पिक कर दिए अभी बाहर है सो रहा है और अभी मैं भी जाऊंगी तो इस व्लॉग को करते यही पैन मिलते हुए इस व्लॉग को करते यही पैन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाय बाय।